आज राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लोग यहाँ कुलपति से मिलने आए हैं और सरकार ने कहा कि लिंगदो कमेटी के नियमों की पालना जो है वो नहीं हो पा रही है, जिसके कारण से छात्र संघ बंद करवाए हैं। आज कुलपति से पूछने आए कि क्या आप लिंगदो कराने में सक्षम है या नहीं है। लिंगदो के हिसाब से चुनाव होने चाहिए, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, और 5,000 की जो सीमा शुल्क है उसी में ही चुनाव हो और बिल्कुल नियमों के हिसाब से छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर आज कुलपति सचिवालय पर प्रदर्शन किया, हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुलपति यहां से अपना जो चैम्बर है वो छोड़कर भाग गए हैं कहीं पे, और हमारा आग्रह है कि कुलपति हमसे मिले और हम इन छात्र संघ चुनाव को लिंगदो की नियमों के अनुसार ही कराए जाने की अपील करते हैं, और जैसा भी नियम के अनुसार चुनाव हो लेकिन छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, हम इसका कॉपरेट करेंगे और पूरा लिंगदो के अनुसार चुनाव कराने की अपील सरकार से करते हैं।